चलिए भाई 91 से डिस्कस करना था. क्वेश्चन नंबर 91 में डाउट है. चलिए 91 करते हैं. इस शीट पे कोई क्यों नहीं बैठा है? इस वाली शीट पे ऐसे ही मन नहीं. आप लोग इधर आ जाओ बेटा, सबसे पीछे वाले यहाँ पे आके बैठ जाओ. यहाँ भी जगह है. चलिए हाँ 91 के अंदर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर पावर कंजम्पशन इन कैपिटल आर आर गिवन देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल. तो कौन सी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है? ठीक है, देखें ये कैपिटल आर है, ये 1 ओम है और ये 4 वोल्ट है. ठीक है, कैपिटल आर वेरिएबल है. हाँ, तो इसमें अपने पास एक रूल ये आया है कि जो कैपिटल आर है जब वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो जो पावर होता है वो मैक्सिमम होता है. ये रूल है अपने पास. तो अब कैपिटल आर अगर 1 के बराबर हो जाएगा तो पावर मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम पावर के लिए कैपिटल आर 1 हो गया. अच्छा, कैपिटल आर अगर 1 हो गया तो ये 1 और ये 1 ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे. सीरीज में आके 2 हो जाएंगे. तो इस सर्किट का जो पावर होगा वो पावर कितना हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा? 8. यानी कि इसका जो मैक्सिमम पावर होगा कैपिटल आर का, जो अधिक से अधिक पावर हो सकता है, वो 8 वाट हो सकता है. 8 वाट से अधिक पावर इसमें संभव नहीं है. अब इन्होंने यही कहा है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस आर पावर कंजम्पशन इन आर आर गिवन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं है? नॉट पॉसिबल. तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपिटल आर द पावर कंजम्पशन इन आर आर गिवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. एक मिनट, ये मैंने टोटल पावर निकाला है भाई. मैंने V स्क्वायर अपॉन R किया है तो ये टोटल पावर आया है. तो इस वाले का जो पावर होगा, ये तो कुल 8 वाट आया ना सर्किट का, तो 4 वाट इसका आएगा, 4 वाट इसका आएगा. तो इस कैपिटल R का जो पावर आएगा ये आ जाएगा 4 वाट. ठीक है, ये इसका 4 वाट आ जाएगा. और ये कैपिटल R का जो पावर है ये 4 वाट है और यही मैक्सिमम पावर है, तो इससे ज्यादा पावर पॉसिबल नहीं है. तो इससे ज्यादा पावर नहीं हो सकता है. तो अब कौन कौन सा इससे ज्यादा दिया हुआ है? हाँ, बी और सी. तो बी और सी पॉसिबल नहीं हो पाएंगे. बी और सी जो है वो पॉसिबल नहीं. मैक्सिमम पावर से ज्यादा तो नहीं हो सकता. मैक्सिमम का मतलब अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक जो है उससे ज्यादा नहीं हो सकता. फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन आपको. ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जब ये 1 ओम के बराबर होगा तो इसका पावर मैक्सिमम होगा. इसको हमने 1 ओम के बराबर कर दिया, 1+1 2 आ जाएगा. तो सर्किट का जो पावर होगा वो V स्क्वायर अपॉन R के हिसाब से वोल्टेज इसका 4 है, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 8 आ गया. तो इस सर्किट का पावर 8 आया, लेकिन इसके पावर के मैक्सिमम होने की बात हो रही. तो अगर इसके पावर की बात हो रही तो 8 वाट में 4 वाट इसका पावर होगा, 4 वाट इसका पावर होगा. ये समझ गए? तो 4-4 वाट दोनों का पावर हो जाएगा. ठीक है, बढ़े आगे. चलिए अब ये कौन सा क्वेश्चन था? 91. ठीक है, चलिए 91 जो है ये हो गया. 92 93 94 94 94 करते हैं. नाइन्टी फोर के अंदर इन ऑर्डर टू चेंज द रेंज ऑफ ए वोल्ट मीटर ऑफ जी ओम रेजिस्टेंस फ्रॉम वी वोल्ट्स टू एन वी वोल्ट्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद इट. ठीक है, पहले इसका जो रेजिस्टेंस था वो पहले जो इसकी रेंज था वो वी था,
तो वोल्टमीटर का रेंज अगर आप याद करें तो वोल्टमीटर का जो रेंज होता है वो किसके बराबर होता है, आई जी इंटू आर जी प्लस एस। शुरू में ये बता रहे हैं कि इन्होंने कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं लगाया था, तो शुरू में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं लगाया था तो ये बराबर हो जाएगा आई जी इंटू, अच्छा जो आर जी था गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको इन्होंने जी बोला हुआ है ना, जी बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, जी, तो आई जी इंटू जी, और शुरू में ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस तो लगाया नहीं था तो शुरू में तो वी बराबर होगा आई जी इंटू जी, बाद में कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाया है और ये कह रहे हैं कि इसका रेंज जो है वी से एनवी हो गया, तो अब हम इसका रेंज वी से एनवी कर देते हैं, आई जी तो वही रहेगा और ये हो जाएगा जी प्लस एस। एस यही पूछा गया है आपसे, एस की वैल्यू पूछी गई है तो अब आपसे ये पूछा गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद इट, तो सीरीज में इसके साथ क्या कनेक्ट करेंगे, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी से वी चला जाएगा, वन अपॉन एन इज इक्वल हो जाएगा जी अपॉन जी प्लस एस, तो जी प्लस एस किसके बराबर हो जाएगा, एन जी के बराबर, तो एस कितना हो जाएगा एन माइनस वन इंटू जी, ये एस की वैल्यू आ जाएगी। आंसर क्या दिया इन्होंने, दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया 94, नोट कर ले। चलिए 94 हो गया, 94 में कोई डाउट, नाइन्टी फाइव में कोई डाउट है, रेजिस्टेंस इन द टू गैप्स ऑफ ए मीटर विच आर 10 ओम एंड 30 ओम इफ द रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय, रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर देते हैं तो बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट होगा, एक वाला कितना था 10 और 30, तो देखें आप अपने पास रूल क्या होता है, R by L is equal to S upon 100 minus L, ये होता है। अब इसमें R की वैल्यू इन्होंने 10 दे रखी है, ये L है, ये 30 दे रखा है और ये 100 minus L दे रखा है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 minus L is equal to 3L, 100 minus L is equal to 3L, तो इसमें L किसके बराबर जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा, जो L आएगा वो 25 के बराबर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट किसी को, अरे भाई बोलने तो दो हमें, ठीक है L 25 आएगा, अभी कहां सवाल खत्म हुआ है, हाँ तो L 25 आ गया, अब ये कह रहे हैं कि हम इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज कर देंगे तो R की जगह S आ जाएगा, S की जगह R आ जाएगा, तो अगर एक वैल्यू 25 थी और दूसरी वाली कितनी रहेगी 75, इंटरचेंज करेंगे तो इस बार पहली वैल्यू 75 हो जाएगी और दूसरी वैल्यू 25 हो जाएगी, भाई इंटरचेंज करेंगे तो डिस्टेंस भी इंटरचेंज होगी ना, तो ये 25 का 75 था तो 75 का ये 25 हो जाएगा, तो अब देखें आप ये पहले 25 पे था फिर 75 पे था तो कितना बढ़ गया, ये 50 के बराबर बढ़ गया ना, ठीक है, तो यही तो पूछा था ना कि कितना हमें इसे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 50 के बराबर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया 94 हो गया, 95 हो गया, 96 में कोई डाउट, 97 इन द शोन अरेंजमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ ए मीटर ब्रिज इफ एसी करेस्पॉन्डिंग टू नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज एक्स, नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज एक्स, देन व्हाट वुड बी इट्स वैल्यू इफ द रेडियस ऑफ द वायर ए बी इज डबल्ड, ए बी वायर का रेडियस अगर डबल हो जाए तो इसकी क्या वैल्यू होगी, ये नोट किया क्या आपने, हाँ ठीक है,
कौन सा था ये 97, इसमें इस तरह का ये सर्किट दिया हुआ है, ये शायद R1 ही ठीक से दिख नहीं रहा मुझे, ये R2 है ना, और ये प्लस मैंने दिया है, ये दूरी AC है और ये जो है इसको B बोला है मैंने, ठीक है। AC corresponding, bridge if AC corresponding to null deflection of galvanometer is X, then what would be the value of the radius of the wire is W, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब हम लोग लिखते हैं इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन में जो R1 अपॉन X आएगा वो किसके बराबर होगा, R2 अपॉन 100 माइनस X। इसमें कहीं एरिया आता है क्या, एरिया नहीं आता है, तो अगर आप रेडियस डबल करोगे तो एरिया तो चार गुना हो जाएगा, लेकिन एरिया कहीं इक्वेशन में आता ही नहीं है, तो एरिया अगर इक्वेशन में नहीं आता है तो रेडियस डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई का भाई रहेगा, ठीक है, क्योंकि एरिया आता ही नहीं इक्वेशन में, आता ही नहीं तो फिर बात ही खत्म हो गई। चलिए ये 97 हो गया, 98, 99, 100 हो गया या किए नहीं, ठीक है। 100 तक डाउट है किसी को कोई, 101, एक गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है फॉर ए करंट ऑफ 10^-5 दिया है कि 6 दिया है, दिख नहीं रहा मुझे, चश्मा नहीं है मैंने, हाँ, तो इसमें IG जो है इस क्वेश्चन में ये है 10^-5 और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, तो RG इज इक्वल टू 100 ओम और जो करंट है वो 10^-5 है, द वैल्यू ऑफ द शंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर, इसको 1 एम्पियर के एमीटर में बदलने के लिए क्या वैल्यू चाहिए। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर याद किया जाए तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर होता था उसका फार्मूला था I = RG + S / S (IG), ये फार्मूला था। इसमें कुछ चीजें दे रखी है कुछ नहीं दे रखी है, इसमें पहली बात तो ये है कि हम इसको एक एम्पियर का एमीटर बनाना चाहते हैं तो I की वैल्यू 1 हो गई, RG दिया हुआ है 100, S आपसे पूछा गया है और IG 10^-5 दिया है, सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, यही ऐसा आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104, 4 में डाउट है, चलिए 4 करते हैं, हाँ ठीक है। चलो एक वोल्टमीटर है जो 998 ओम्स का रेजिस्टेंस है और 2 वोल्ट के ईएमएफ से कनेक्ट किया गया, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, द एरर इन मेजरिंग ईएमएफ विल बी, तो एरर कितना आएगा, नापने में कितने की गलती आएगी, तो चलो नापने में जो गलती आएगी मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक वोल्ट मीटर है 998 ओम का, 2 वोल्ट के सेल से कनेक्टेड है, ठीक है, और 2 वोल्ट है और इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है। अब हम वोल्ट मीटर लगा के इसका ईएमएफ नापना चाहते हैं, तो वैसे तो इसका ईएमएफ कितना है, सच में कितना है, 2 वोल्ट है, तो एक्चुअल वैल्यू तो इसकी 2 वोल्ट है। अब हम वोल्टमीटर लगा के जब इसको नापेंगे तो कितने की एरर आएगी, कितने की गलती आएगी,
तो जब हम वोल्टमीटर लगाएंगे तो इनका ये कहना है कि इस वोल्टमीटर का अपना रेजिस्टेंस 998 ओम है। तो इस वोल्टमीटर का ड्रॉप अगर हमें निकालना है तो ड्रॉप निकालने के लिए हम इस वोल्टमीटर से पहले करंट निकालेंगे। इस वोल्टमीटर से गुजरने वाला करंट किसके बराबर होगा? 2/1000 ये आ जाएगा। इससे गुजरने वाला करंट 2/1000 होगा और ये हो जाएगा 1/500। इससे गुजरने वाला जो करंट आएगा वो 1/500 के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो ड्रॉप आएगा, इस वोल्टमीटर का अगर ड्रॉप देखें तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1/500 और इसका ड्रॉप जो आएगा वोल्टमीटर का वो किसके बराबर आ जाएगा? इसका ड्रॉप आएगा आई आर होता है, आई है 1/500 और आर कितना है 998। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 9.98/5। ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 1.998 ये आ जाएगा मेरे ख्याल से। देखें तो 5, 9, 45, 4, 5, 9, 45, 3, 6 आएगा। हाँ 1.996 आ जाएगा। तो ये तो मेजर्ड वैल्यू आ गई और एक्चुअल वैल्यू जो आई थी वो 2 आई थी। इन दोनों का जो अंतर होगा वही इसकी एरर होगी, जो गलती होगी वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। हाँ इसके बाद करूं हो जाएगा। चलिए ये हो गया 104, 105, 105 इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़े आगे। देखिए 105 पे आते हैं, एन अननोन रेजिस्टेंस आर वन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। एक अननोन रेजिस्टेंस आर वन जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू वन गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज विद रेजिस्टेंस आर टू कनेक्टेड टू द अदर गैप। तो यानी मीटर ब्रिज का एक रेजिस्टेंस है R1+10 और दूसरा वाला रेजिस्टेंस है R2। अगर सवाल ध्यान से पढ़े तो यही बोला हुआ है कि एन अननोन रेजिस्टेंस R1 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू वन गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज व्हाइल ए रेजिस्टेंस R2 इज कनेक्टेड टू द अदर गैप। R2 जो है वो दूसरे वाले गैप के साथ जुड़ा हुआ है। द बैलेंस पॉइंट इज एट 50 सेंटीमीटर। बैलेंस पॉइंट 50 सेंटीमीटर पर है। इसका मतलब यह है कि R1+10/50 इज इक्वल टू R2/50। ये समझे? अगर एक L होता है तो एक 100-L, तो 50 और एक 100-50, तो दोनों 50 ही 50 आ जाएंगे। इसका मतलब आ जाएगा R2 इज इक्वल टू R1+10। पहली बात ये हो गई। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने कुछ चेंज किया है। With the resistance R1 connected, the balance point is at 50. Now, when the 10 ohm resistance is removed, the balance point shift to 40 centimeter. अब अगर हम इसको हटा देते हैं, ये 10 ओम वाले को हटा देते हैं, तब बैलेंस पॉइंट 50 के बजाय 40 पे आ जाएगा। तो अब इसका मतलब कि R1/40 इज इक्वल टू R2/60। एक तरफ 40 होगा तो 100-40, 100-40, 60 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो R2 की वजह की जगह कितना आ जाएगा? 3/2 R1 आ जाएगा। तो R2 की जगह 3/2 R1 हो गया। अब R2 की वैल्यू यहाँ पुट करके R1 R2 जो पूछा है वो निकाल लेंगे। करूँ इसके बाद? ठीक है। 106 जी, कहां तक दिया था मैंने? 110 तक दिया था। तो 105 हो गया। 106 में डाउट है।
107 में डाउट है, 110 तक दिया था ना, अब एक बार और होगा फिर सब हो जाएगा। चलो फिर अगली क्लास में करते हैं। चलो ये शीट ले लो बेटा। चलिए, क्या पढ़ा रहा था मैं, कैपेसिटर के अंदर जैसे क्वेश्चन वगैरह करवा रहा था ना, कि अगर दो कैपेसिटर जोड़े जाए तो कितना चार्ज फ्लो होगा, कॉमन पोटेंशियल और ये सारी चीजें बता रहा था मैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कैपेसिटर्स जो होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको स्टडी करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके बारे में बात करेंगे। हेडिंग डाले, लिखे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो है इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो क्या है ये समझा जाए। अरे सॉरी, कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर दो या अधिक कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू आती है वो सेम आती है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब यही है कि अगर दो या अधिक कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड हैं और सीरीज में जुड़े हुए हैं, बैटरी वैटरी लगाने के बाद इनके ऊपर जो चार्ज आता है वो सेम आता है, इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। लिखे इसके बारे में, जो नियम दो के लिए सही होगा 2000 के लिए भी सही होगा, मैं दो बना रहा हूं। लेकिन इफ टू आर मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ टू आर मोर कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द चार्ज ऑन देम, टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द चार्ज ऑन देम विल बी, टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द चार्ज ऑन देम विल बी, टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द चार्ज ऑन देम विल बी सेम, टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द चार्ज ऑन देम विल बी सेम, प्रोवाइडेड दे वेर, देन द चार्ज ऑन देम विल बी सेम, प्रोवाइडेड दे वेर इनिशियली अनचार्ज्ड, टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन चार्ज ऑन देम विल बी सेम, प्रोवाइडेड दे वेर इनिशियली अनचार्ज्ड, दे वेर इनिशियली अनचार्ज्ड। शुरू में अगर कोई चार्ज नहीं है और सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके ऊपर चार्ज सेम होगा। अब जैसे ये दो कैपेसिटर्स है और हम इन दो कैपेसिटर्स के बजाय एक कैपेसिटर बनाना चाहते हैं और उस एक कैपेसिटर को कैपेसिटेंस हम उसका सी इक्विवेलेंट बोलना चाह रहे हैं, और इसका सी वन था, इसका सी टू था। तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए अपने पास जो तरीका है वो ये है कि हम एक बैटरी लगा देते हैं इससे। ये बैटरी जो हमने लगाई, इस बैटरी का ड्रॉप मैं मान लेता हूँ V, बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप मैं V मान लेता हूँ। तो अब देखिए, जब बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से चार्ज, ये जो ये नेगेटिव प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट है, तो यहाँ से चार्ज निकलेगा और यहाँ से चार्ज निकल के इस प्लेट पे आएगा। मान लेते हैं यहाँ से Q चार्ज निकल के, कुल Q चार्ज निकल के गया, तो जो Q चार्ज यहाँ से निकल के गया वो Q चार्ज इस वाली प्लेट पे आएगा। अगर यहाँ Q होगा तो यहाँ माइनस Q होगा, इसका मतलब यहाँ से Q, पहले तो जीरो था चार्ज इस पे, तो यहाँ माइनस क्यू, यानी यहाँ से क्यू निकल के इस प्लेट पे गया होगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा क्यू। ठीक है, तो अगर इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सब पर चार्ज सेम होता है। अब अगर हम इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहते हैं तो जो इक्विवेलेंट होगा वो उन दोनों का जो इक्वल इफेक्ट होगा वो इक्विवेलेंट प्रोड्यूस करेगा, यानी उन दोनों का जो चार्ज होगा वो इसका चार्ज होगा। ठीक है, और उन दोनों का जो ड्रॉप होगा वो इसका ड्रॉप होगा। तो यानी अगर इस बैटरी का ड्रॉप V है
तो हमें वी ड्रॉप इसको भी देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंट का मतलब जो उसका ड्रॉप हो वही उसका ड्रॉप हो, जो उसका चार्ज हो वही उसका चार्ज हो। तो अब जैसे इसका सी इक्विवेलेंट है तो चार्ज भी इस पे वही रहेगा, जो अलग अलग कैपेसिटर पे चार्ज आता है वही इक्विवेलेंट पे भी चार्ज आता है, और जो इन दोनों का ड्रॉप आएगा वही इसका भी ड्रॉप आएगा। अभी जैसे इसका ड्रॉप मैं मान ले रहा हूँ वी वन और इसका ड्रॉप मैं मान ले रहा हूँ वी टू, ठीक है। अब ध्यान से देखें, मैं यहां से यहां तक अगर पूरा केवीएल लगाता हूं, यहां से यहां तक मैं जाऊंगा तो पोटेंशियल वी बढ़ जाएगा, फिर यहां से यहां तक जाऊंगा तो वी वन घटेगा, फिर यहां से यहां तक जाऊंगा तो वी टू घटेगा और ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो अब वी इज इक्वल टू कितना हो गया, वी वन प्लस वी टू। अच्छा, ये जो क्यू है चार्ज तो सभी पे सेम है, तो इस क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, इस क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू सी वन इंटू वी वन, लिख सकता हूं। इसी क्यू की जगह मैं सी टू इंटू वी टू भी लिख सकता हूं, यही जो क्यू है ये सी टू इंटू वी टू भी लिखा जा सकता है, और यही क्यू किसके बराबर लिखा जा सकता है, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, इसके बराबर भी लिखा जा सकता है, सी वन वी वन इज इक्वल टू सी टू वी टू इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। अब उसके बाद अगर हम देखें तो वी वन की जगह मैं यहां से लिखूंगा क्यू अपॉन सी वन, वी वन की जगह लिखूंगा मैं क्यू अपॉन सी वन, वी टू की जगह लिखूंगा क्यू अपॉन सी टू, और V की जगह लिखूंगा Q अपॉन C इक्विवेलेंट। Q सारे कट जाएंगे और 1 अपॉन C इक्विवेलेंट जो आएगा वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट जो होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लें, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। नोट कर लिया, ये इक्विवेलेंट आ गया। अब ये जो इक्विवेलेंट आया है आप ध्यान से देखें तो ये जो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट बोलते हैं इसको, C1 C2 में जो दोनों में सबसे छोटा होगा उससे ये छोटा होगा, ठीक है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट जो है ये हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? अच्छा, इस बात के जो मैंने प्रूव किया ना 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो इसको प्रूव करने का कोई और तरीका है, कोई प्रूव कर सकता है किसी और मेथड से? हाँ, इसको प्रूव करने का कोई और मेथड है किसी के पास? नहीं कर सकते? कैसे जरा बताओ। हाँ, कैसे करेंगे बताओ ना, एनर्जी स्टोर बोलने से काम थोड़ी चलेगा, प्रोसेस बताओ। चलो देखो, ये दोनों मिला के जो एनर्जी स्टोर करेंगे इसको इसको अकेले करना होगा, ये कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी वन, ये करेगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी टू, और ये करेगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी इक्विवेलेंट, क्यू स्क्वायर और टू सब कट जाएंगे तो यही आ जाएगा, नहीं समझे?
भाई इक्विवेलेंट का मतलब हर तरह से इक्विवेलेंट, तो ये दोनों मिला के जो एनर्जी स्टोर करेंगे ये इसको अकेले को स्टोर करनी चाहिए, तो इसका आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी वन, इसका आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी टू, और इसका आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो कहने का मतलब है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट होता है। अब इसके अंदर एक और बात आती है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको ये तो पता है कि दोनों पे चार्ज बराबर होता है, लेकिन वोल्टेज तो बराबर नहीं होता है, तो वोल्टेज किस रेशियो में बढ़ता है इसके भी सवाल बनते हैं। तो किस रेशियो में वोल्टेज बनता है ये भी मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में यहीं पे सिखाऊंगा। तो हेडिंग डालें, लिखें वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, 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 वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का बंटवारा, श्रेणी संयोजन में वोल्टेज कैसे बढ़ता है, तो देखें सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज का डिवीजन है उसको देखें। ये फिगर जो बना हुआ है, नया फिगर बनाने की जरूरत नहीं, इसी से देखें। हमारे पास रिजल्ट ये आया था V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, ये रिजल्ट आया था ना। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर देखा जाए तो सी वन वी वन जो होगा वो सी टू वी टू के बराबर आया था। देखिए लिखा हुआ है, कहां लिखा है, यहां चार्ज दोनों पे बराबर है तो सी वन वी वन सी टू वी टू के बराबर आया था। तो हम ऐसा करते हैं कि वी टू की जगह ये लिख देते हैं, तो V इज इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 की जगह लिखेंगे C1 V1 अपॉन C2, तो V1 किसके बराबर जाएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू V, ये V1 आ जाएगा, और V2 किसके बराबर आ जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू V, ये V2 आ जाएगा। जो V1 आएगा वो C2 upon C1 plus C2 into V आ जाएगा, और V2 आएगा C1 upon C1 plus C2 into V, ये V1 और V2 की वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, V1 और V2 की वैल्यू आ जाएंगी। थोड़ा ध्यान से देखें तो वोल्टेज का जो बंटवारा हो रहा है वो कैपेसिटी के रेशियो में हो रहा है या उल्टे रेशियो में हो रहा है, उल्टे रेशियो में हो रहा है। कैसे, जहां V1 लिखा था वहां पे C2 आया, V1 आया C2 upon C1 plus C2 into V, और V1, V2 आया C1 upon C1 plus C2 into V। तो वोल्टेज का जो बंटवारा होता है वो कैपेसिटी के उल्टे रेशियो में होता है। जब भी कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं तो कैपेसिटी का बंटवारा वोल्टेज के उल्टे रेशियो में होता है। ठीक है, सॉरी, वोल्टेज का बंटवारा कैपेसिटी के उल्टे रेशियो में होता है, तो ये नोट कर ले। जब भी कभी सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं तो वोल्टेज का बंटवारा, वोल्टेज का जो डिवीजन होता है वो कैपेसिटी के उल्टे रेशियो में होता है। चलिए नोट कर लिया। ठीक है, शब्दों में लिखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज डिवाइडेड इन द, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द, सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वोल्टेज इज डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस।
सीरीज कॉम्बिनेशन द वोल्टेज इज डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के उल्टे रेशियो में ये डिवाइड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, इस सीरीज कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा दो तीन सवाल मैं करवाऊंगा जिस प्रैक्टिस के लिए, फिर हम लोग पैरेलल पे आएंगे। ये सब ने नोट कर ही लिया है, मैं इसको मिटा देता हूं। ये देखिए, ये कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड का, ये 6 माइक्रोफेरेड का है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो। बैटरी का जो ईएमएफ है वो 6 वोल्ट है, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। Find the charge flow through the battery when the switch is closed. देखिए इधर आ जाइए, इसमें क्या है, तरीके बहुत सारे हैं। मैं इसमें ऐसा करता हूं कि इक्विवेलेंट वाला तरीका लगाता हूं। इसमें मैं इसका इक्विवेलेंट निकाल लूं तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/C इक्विवेलेंट होगा 1/3 + 1/6। तो ये C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 C2/C1 + C2, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो C इक्विवेलेंट 2 के बराबर आ गया। तो अब यहाँ पर अगर इन दोनों कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर रखा जाए तो उसका कैपेसिटेंस आएगा 2 माइक्रोफेरेड। हाँ, अब जब आप स्विच बंद करेंगे तो पहले तो ये कैपेसिटर अनचार्ज था, सही से एक अकेले को देखो तो ये कैपेसिटर अनचार्ज था, लेकिन फाइनली जो इसके ऊपर चार्ज आता है वो सीवी के बराबर आता है, क्यू बराबर सीवी होता है ना। तो इसका ड्रॉप है 6 वोल्ट का और कैपेसिटेंस सी है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो सीवी के बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 6, तो ये हो जाएगा 12 माइक्रो कूलम। सी माइक्रो फैराड में दिया है ना, तो ये 12 माइक्रो कूलम होगा। इसका मतलब ये कि 12 माइक्रो कूलम चार्ज जो है वो इस पर आएगा, इस पर -12 माइक्रो कूलम होगा। तो निश्चित रूप से इसमें पहले चार्ज 0 था इस प्लेट पे, यहां से 12 माइक्रो कूलम निकल के इधर से इधर गया होगा, तो बैटरी से जो चार्ज फ्लो किया होगा वो 12 माइक्रो कूलम के बराबर होगा। ठीक है, बैटरी से जो भी चार्ज फ्लो कर रहा होगा दैट इज इक्वल टू 12 माइक्रो कूलम। कोई डाउट इसमें? चलिए, बैटरी से फ्लो करने वाला चार्ज जो है दैट इज 12 माइक्रो कूलम। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े।
अगला सवाल लिखें, फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताएं। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, इसके क्रॉस कितना होगा, इसके क्रॉस कितना होगा, 4 और 2। तो अब देखो इसमें कंसेप्ट क्या है कि भाई इसमें 12 माइक्रो कूलम है, तो जो चार्ज इस पर होगा वही दोनों पे अलग अलग भी होता है, सीरीज में सब पे सेम होता है, इन दोनों पे भी चार्ज सेम होगा, वही इक्विवेलेंट पे भी आएगा, तो इसका चार्ज भी 12 होगा, इसका भी 12 होगा, इसका भी 12, इसका भी 12। अब इसका चार्ज हमें पता चल गया, इसका चार्ज पता चल गया, तो इसका ड्रॉप कितना आएगा, क्यू बाई सी वन आएगा, इसका ड्रॉप चार्ज इस पे आया था 12 और कैपेसिटेंस कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। अच्छा दोनों माइक्रो में है तो माइक्रो माइक्रो कट जाएगा, तो वी वन आ जाएगा 4 वोल्ट। इसका हमें अगर ड्रॉप निकालना है वी टू, तो वी टू होगा क्यू बाई सी, क्यू की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। तो एक का 4 वोल्ट आएगा, एक का 2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो ये इनके ड्रॉप्स आ जाएंगे, ठीक है, कोई डाउट इसमें, चलिए ये नोट कर लीजिए। कुछ एक सवाल और करते हैं, ये कैपेसिटेंस जो है ये 1, मतलब ये इसका कैपेसिटेंस सी है और इसका कैपेसिटेंस 2C है, ठीक है, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं और क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये अधिक से अधिक जो ड्रॉप बियर कर सकता है वो 15 वोल्ट है और ये अधिक से अधिक जो ड्रॉप बियर कर सकता है ये 20 वोल्ट बियर कर सकता है। 20 वोल्ट से ज्यादा ड्रॉप होने पर यह कैपेसिटर खराब हो जाएगा, 15 वोल्ट से ड्रॉप ज्यादा होने पे ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा। अब लिखे क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज 15 वोल्ट, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज 15 वोल्ट एंड दैट ऑफ द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज 15 वोल्ट एंड दैट ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर इज 20 वोल्ट। ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज 15 वोल्ट एंड दैट ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर इज 20 वोल्ट। ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज 15 वोल्ट एंड दैट ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर इज 20 वोल्ट। फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप, फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप दैट कैन बी maximum potential drop that can be supplied, maximum potential drop that can be supplied across points A and B, maximum potential drop that can be applied across points A and B, सवाल में समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखें, ये वाला कैपेसिटर अगर 15 वोल्ट से ज्यादा देंगे तो ये खराब हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा,
इसको अगर 20 वोल्ट से ज्यादा ड्रॉप देंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी के क्रॉस माने इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस अधिक से अधिक कितना पोटेंशियल आप दे सकते हो जिससे कि कोई भी खराब ना हो, ये सवाल है। अच्छा सवाल है, मैं बताऊं या आप ट्राई करोगे? चलो करो ट्राई, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अधिक से अधिक कितना ड्रॉप इसको दिया जा सकता है, तो चलिए देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये दोनों सीरीज में है तो दोनों पे चार्ज तो बराबर होगा। हाँ, इसमें क्या होता है, ये सवाल जो होता है इसमें हमें गेस करके देखना होता है कि भाई कितना दे। तो जैसे मान लिया कि मैंने इसको 15 वोल्ट का ड्रॉप दे दिया, भाई अधिक से अधिक ये 15 वोल्ट बियर कर सकता है, तो मैंने 15 वोल्ट का मान लिया कि ड्रॉप दे दिया। हो सकता है कि ये 15 वोल्ट में दूं तो ये जो सर्किट है अपना सॉल्व हो जाए। तो जैसे 15 वोल्ट का ड्रॉप दिया मैंने तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, 15C। इसके ऊपर कितना आएगा, -15C। अच्छा, अगर इस पे 15C होगा तो इस पे भी 15C होगा और इस पे -15C होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो सीरीज में तो चार्ज तो सेम रहेगा रहेगा, तो अब इसका ड्रॉप कितना आएगा। अगर इसका ड्रॉप मैं मान लूं कि V2 है तो इसका ड्रॉप क्यू बराबर सी भी होता है, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज तो 15C के बराबर है और इसका कैपेसिटेंस 2C है, और ड्रॉप अगर V2 मान लो तो V2 कितना आ जाएगा, 15/2 यानी 7.5। तो अगर मैं इसको 15 वोल्ट ड्रॉप दे रहा हूँ तो इसका जो ड्रॉप आएगा वो 7.5 वोल्ट आएगा। तो ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा या बचा रह जाएगा, बचा रह जाएगा, बचा रह जाएगा। तो अब 15 वोल्ट तो मैंने इसको दे दिया, 7.5 वोल्ट इसका हो गया, तो ओवरऑल यहां से यहां तक का जो ड्रॉप आएगा वो आएगा 15 + 7.5 = 22.5 वोल्ट। तो अधिक से अधिक जो हम इसको ड्रॉप दे सकते हैं वो यही दे सकते हैं, ठीक है। फिर से सुने, मैं दोनों केस लेके बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है कि ये पहला वाला ही बताऊंगा मैं। मान लो कि भाई या तो इसको 15 दे सकते हैं, अधिक से अधिक इसको 20 दे सकते हैं, तो मैंने अधिक से अधिक इसको जो देना था वो दे दिया 15 वोल्ट। इसको 15 वोल्ट दिया तो इस पे चार्ज आया 15C, इस पे भी 15C आ गया, तो अब इसका ड्रॉप होता है Q/C, तो क्यू हो गया 15C और इसका कैपेसिटेंस 2C है, तो ड्रॉप 7.5 आ गया। तो ये 7.5 तो बियर कर सकता है ना, 20 वोल्ट तक ये बियर कर सकता है, तो ये 7.5 है, ये 15 है, तो ओवरऑल यहां से यहां तक का जो ड्रॉप आ गया वो 22.5 वोल्ट के बराबर आ गया, ठीक है। ये एक तरीका हो गया सोचने का। अब दूसरे तरीके से सोचते हैं इसी सवाल को, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया तो आना चाहिए कि हम इसी से क्यों शुरू कर रहे हैं, इससे करें, इसका जो अधिक से अधिक ड्रॉप है वो दे देते हैं। अधिक से अधिक इसका ड्रॉप कितना था, 20, तो इसको मैंने 20 वोल्ट दे दिया,
अब इसको 20 वोल्ट देंगे तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा, 40C, और इस पे -40C. अच्छा, अगर इसमें 40C आएगा तो फिर इसमें भी 40C ही आएगा ना, सीरीज में है. अब इसमें भी 40C आ गया तो इसका ड्रॉप कितना होगा, इसका ड्रॉप हम निकालें तो Q/C, तो 40C/C, तो ये कितना आ जाएगा 40. तो इसका ड्रॉप जो आएगा वो 40 के बराबर आ जाएगा, लेकिन इसका ड्रॉप 40 होगा तो ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा ना, 15 से ज्यादा बेयर नहीं कर सकता. तो अगर इसको हम 20 देंगे तो इसका फिर आ जाएगा 40, और 40 आने पे ये वाला खराब हो जाएगा, तो इसको 20 नहीं दिया जा सकता है. ठीक है, इसको अधिक से अधिक हम 7.5 दे सकते हैं. इसको 7.5 देंगे तो इसका 15 हो जाएगा, और ये दोनों कैपेसिटर काम करते रहेंगे. ठीक है, तो ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन को जो हम अधिक से अधिक दे सकते हैं वो 22.5 वोल्ट दे सकते हैं. इससे ज्यादा देने पर दूसरा वाला खराब हो जाएगा. ठीक है, नोट करें. बढ़े आगे. चलिए अगला. चलिए, ये जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर जो है वो 3 माइक्रोफैरेड का है, और ये कैपेसिटर जो है ये 5 माइक्रोफैरेड का है. ठीक है, ये 3 माइक्रोफैरेड है, ये 5 माइक्रोफैरेड है, और इसमें भी सवाल वही है. क्वेश्चन लिखें, द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द टू कैपेसिटर्स आर, द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द टू कैपेसिटर्स आर 30 वोल्ट एंड 20 वोल्ट. ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द टू कैपेसिटर्स आर 30 वोल्ट एंड 20 वोल्ट. Breakdown voltage of the two capacitors are 30 volt and 20 volt. Find the maximum potential drop. Find the maximum potential drop that can be given. Find the maximum potential drop that can be given to the combination. Find the maximum potential drop that can be given to the combination. Maximum potential drop that can be given to the combination. हाँ बेटा, भाई जो ब्रेकडाउन वोल्टेज था इसका 30 वोल्ट है, इस वाले का, पहले वाले का 30 वोल्ट है, दूसरे वाले का 20 वोल्ट है. तो इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस अधिक से अधिक कितना ड्रॉप दिया जा सकता है ये बताना है आपको. मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप दैट कैन बी गिवन अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन.
48 volt, 48 volt. Very soon. Twenty-six point six. चलिए भाई देखते हैं अधिक से अधिक इसको कितना दे सकते हैं 30 और इसको 20 दे सकते हैं तो मैं पहले मान लेता हूं कि मैंने इसको 30 दे दिया हो सकता है कुछ गड़बड़ आ जाए लेकिन पहले मैं मान लेता हूं कि मैंने इसको 30 वोल्ट दे दिया तो अगर मैं इसको 30 वोल्ट दे दूंगा तो इस वाली प्लेट पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा 90 इस पे आएगा -90 और चूंकि सीरीज में है तो दोनों पे चार्ज तो सेम ही होगा तो इस पे भी 90 होगा इस पे -90 होगा तो इसका ड्रॉप जो आएगा वो Q/C आएगा तो इसका ड्रॉप जो आएगा वो Q/C आ जाएगा Q कितना है 90 और C है 5 तो ये कितना हो गया 18 तो इसका ड्रॉप 18 आ जाएगा अब बताओ ये बचेगा कि नहीं बचेगा बच जाएगा ना भाई ये अधिक से अधिक कितना बर्दाश्त कर सकता है 20 बर्दाश्त कर सकता है तो ये बच जाएगा तो ये भी बचा रहेगा और ये भी बचा रहेगा तो कुल मिला के जो अधिक से अधिक हम दे सकते हैं वो 48 वोल्ट दे सकते हैं ठीक है समझ गए कितने लोगों का सही आया था ये इतने लोगों का सही आया था दूसरा केस भी करके बताऊं चलो दूसरा भी करके बताता हूं मैं ठीक है दूसरा करके बता रहा हूं ये नोट कर ले पहले भाई इसको अगर आपने अधिक से अधिक दे दिया तो Q बराबर CV से इस पे चार्ज 90 आएगा इस पे -90 सीरीज की वजह से सब पे 90 हो जाएगा अब इसका जो ड्रॉप आएगा वो Q/C आएगा तो 90/5 हो गया ड्रॉप तो 18 वोल्ट के बराबर ड्रॉप हो गया इसका तो 30 और 18 कितना हो जाएगा 48 ठीक है कोई डाउट इसमें चलिए आगे बढ़े अगला मतलब इसी को दूसरे अप्रोच से करें दूसरे अप्रोच से देखिए अगर मैं मान लेता हूं कि इसको मैंने इसका मैक्सिमम दे दिया 5 माइक्रो कूलम था और मैंने इसको इसका मैक्सिमम 20 वोल्ट इसको दे दिया तो 20 वोल्ट दे दिया तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा बताओ भाई 100 आएगा इस पे और इस पे कितना आएगा -100 सीरीज में तो चार्ज तो सेम ही रहेगा तो इस वाले पे -100 आएगा और इस वाले पे 100 आएगा तो अब इसका ड्रॉप कितना होगा Q/C Q/C के बराबर होगा Q 100 है और C कितना था इसका 3 तो इसका ड्रॉप हो जाएगा 100/3 100/3 30 से ज्यादा रहा है 30 से ज्यादा रहा है तो ये दग जाएगा मतलब खराब हो जाएगा हाँ भाई 100/3 का मतलब 30 से ज्यादा हो गया ये 30 से ज्यादा बियर कर नहीं पाएगा तो ये खराब हो जाएगा तो अगर इसको हमने 20 दिया तो ये खराब हो जाएगा जबकि हम चाह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी ना खराब हो तो इसलिए अधिक से अधिक इसका ड्रॉप जो हो सकता है वो 48 हो सकता है 48 से ज्यादा ड्रॉप पॉसिबल नहीं है ठीक है समझ गए तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए कुछ बेसिक बेसिक सवाल रहे अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं हेडिंग डालें लिखें पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक है पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है इसको समझे जैसे मान लीजिए कि ये कैपेसिटर्स है ये दूसरा है तीसरा है तीन चार पांच जितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये तीन कैपेसिटर्स हैं और ये पैरेलल में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान ये होती है कि तीनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो सेम आएगा
तो अगर दो या अधिक कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उन सबका जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो सेम होता है। तो इस बात को नोट करें, लिखें, इफ टू और मोर कैपेसिटर्स, टू और मोर कैपेसिटर्स आर ज्वाइंट इन पैरेलल, देन टू और मोर कैपेसिटर्स आर ज्वाइंट इन पैरेलल, देन पोटेंशियल ड्रॉप, टू और मोर कैपेसिटर्स आर ज्वाइंट इन पैरेलल, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस देम will be same. Two or more capacitors are joined in parallel, then potential drop across them will be same. Two or more capacitors are joined in parallel, then potential drop across them will be same. दो या अधिक capacitors जो होते हैं वो parallel में अगर जोड़ दिए जाएं तो उनके across जो potential drop आता है वो same आता है, ठीक है? यहां तक कोई doubt किसी को? अब पोटेंशियल ड्रॉप इनके क्रॉस सेम आता है, तो जैसे ये तीन कैपेसिटर थे तो इनकी जगह हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं, ये जो एक कैपेसिटर है इसका इक्विवेलेंट जो है वो सी इक्विवेलेंट होगा, मैं इस वाले का C1 मानता हूँ, इसका C2, इसका C3 ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो अब इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ये तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो अकेला करेगा, तीनों मिलके जो इनका मतलब तीनों मिलके जो काम कर रहे हैं वो अकेला करेगा, यानी इन तीनों का जो ड्रॉप है वो उस अकेले का ड्रॉप होगा और इन तीनों का जो चार्ज है वो उस अकेले का चार्ज होगा। अच्छा, इन तीनों का चार्ज क्या क्या होगा? जैसे मैं मानता हूं कि इसके ऊपर चार्ज है Q1, इस पे माइनस Q1, इस पे Q2, इस पे माइनस Q2, इस पे Q3, इस पे माइनस Q3। तो इन तीनों का चार्ज मिला के कितना होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और उसका चार्ज मैंने Q मान लिया, तो तीनों का मिला के जो चार्ज होगा वो अकेले का चार्ज होगा और इन तीनों का जो ड्रॉप होगा वो अकेले का ड्रॉप होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q। Q1 की जगह मैं लिख सकता हूं C1V, C भी होता है चार्ज। Q2 की जगह लिख सकता हूं C2V और Q3 की जगह C3V और Q की जगह क्या लिखूंगा? C इक्विवेलेंट इनटू V। सारे V कट जाएंगे और C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3, ये C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। C इक्विवेलेंट जो आएगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर आ जाएगा। नोट कर लें इसे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, नोट कर लिया? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। कोई और तरीके से प्रूव कर सकते हो इसे? कैसे? बिल्कुल, ये तीनों मिला के जो एनर्जी स्टोर करेंगे वो इसमें अकेले में होनी चाहिए। इसके अंदर एनर्जी स्टोर कितनी होगी? हाफ C1V2, इसमें हाफ C2V2, इसमें हाफ C3V2, और इसमें क्या होगी? हाफ सी इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर, हाफ वी स्क्वायर सबसे कट जाएगा। लिख दो या समझ गए? समझ गए ना? तो एनर्जी से भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, सी इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसके अंदर जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस आता है वो लार्जर देन द लार्जेस्ट आता है, जो सबसे बड़ा होगा तीनों में उससे भी बड़ा होगा। सीरीज में स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट होता है, जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा होता है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा होता है उससे भी बड़ा होता है। तो सी इक्वलेंट जो आएगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर आ जाएगा। कोई तकलीफ इसमें? यहां तक आप समझ गए? अब उसके बाद ये जो सी इक्वलेंट आता है, इक्वलेंट जो कैपेसिटेंस आता है, इसमें अगर आप, हाँ कोई डाउट? इसमें अगर आप चार्ज का बंटवारा देखें तो चार्ज का बंटवारा जैसे Q1 कितना था? C1V। Q2 था C2V। तो Q1 अपॉन Q2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? C1 अपॉन C2। तो इसमें जो चार्ज का बंटवारा होता है वो कैपेसिटी के रेशियो में होता है। चार्ज जो बटेगा, यहां देखो, ऐसे देखो आप, Q1 था C1V,
Q2 था C2 भी, मान लो मैं बंटवारा निकालना चाहता हूं तो Q1 अपॉन Q2 क्या हो जाएगा, C1 अपॉन C2। तो चार्ज का जो बंटवारा होगा वो कैपेसिटी के ही रेशियो में आता है, ठीक है, चार्ज कैपेसिटी के रेशियो में ही बढ़ता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा याद आप करना चाहो तो ऐसे तो याद सभी को रहता है, सारे जो 12वीं पास बच्चे होते हैं, कि जैसे रेजिस्टेंस के अंदर कॉम्बिनेशन जो होता है उसका ठीक उल्टा यहां पे आता है। रेजिस्टेंस में सीरीज में जुड़ जाता है और पैरेलल में 1 अपॉन करके होता है, इसमें उसका उल्टा होता है। इनफैक्ट अगर हम पूरी बात आपको बताएं, पूरी फिजिक्स के अंदर चार ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं जो काम के आते हैं, रेजिस्टेंस का, कैपेसिटर का, इंडक्टर का और स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग और कैपेसिटर एक तरह से जुड़ते हैं, रजिस्टर और इंडक्टर एक तरह से जुड़ते हैं, मतलब चारों बातें एक साथ दिमाग में रख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हर जगह काम आएगा। स्प्रिंग और कैपेसिटर एक जगह जुड़ते हैं और रजिस्टर और इंडक्टर एक जगह जुड़ते हैं। आपको याद बस रजिस्टर का करना है, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर का आप याद कर लोगे तो फिर इंडक्टर का तो वही होता है, हाँ, और कैपेसिटर का रजिस्टर का उल्टा हो जाएगा, यानी अगर सीरीज में होंगे तो 1 अपॉन C = 1 अपॉन C1 + 1 अपॉन C2 + 1, इस तरह से कर सकते हैं। तो मतलब ये जो कैपेसिटर होता है और स्प्रिंग, ये एक तरह से जुड़ते हैं, और रजिस्टर और इंडक्टर ये एक तरह से जुड़ते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात आपको पता होगी, नहीं पता हो तो कौन लिखा दूं, मैं लिखा दूं या याद है, याद है ना, ठीक है। बाकी हम लोग इंडक्टर पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे ये सब। चलिए खैर, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक सीरीज पैरेलल पे एक छोटा सा सवाल भी है। ये एक कैपेसिटर है, उसके साथ एक कैपेसिटर ऐसे लगा है, एक ऐसे लगा है, एक इस तरह से लगा है, एक बैटरी लगी है। ये कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेरेड, ये वाला भी 3 है और ये वाला भी 3 है, ठीक, सब 3 3 3 है। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस बताएं, फटाफट बताओ भाई कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस। टू, हाँ बेटा, 2 ओम, 2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, बताओ मैं कैसे यह समझ गए। देखें जरा ध्यान से देखें, ये दोनों पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में है तो 3 और 3 क्या 6 हो जाएगा, और 6 और 3 सीरीज में आ गए तो 6 × 3 upon 6 + 3 तो 18/9 2 आ जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। अब अगला सवाल लिखें, फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। स्विच बंद करने के बाद बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, 12 माइक्रो कूलम, कितना, 12 माइक्रो कूलम। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि भाई इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर देखें तो एक ही कैपेसिटर के बराबर है 2 माइक्रोफेरेड का, तो बैटरी से जो चार्ज फ्लो करेगा, एक 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 6 वोल्ट की बैटरी, तो चार्ज क्यू बराबर सी भी होता है, तो 12 माइक्रोफेरेड के बराबर, माइक्रोकूलम के बराबर चार्ज हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट। अगला सवाल लिखे इसी में, फाइंड द चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर, चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर,
पहले वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा? पहला कैपेसिटर ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है. फाइंड द चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर. पहले कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा? एटीन माइक्रो कूलम. ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, कॉमन सेंस का सवाल है और सभी का गलत हुआ. इसके अंदर आपने अभी भी बताया बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करेगा, 12 माइक्रो कूलम, यही बताया ना आपने. तो बैटरी से जो 12 माइक्रो कूलम फ्लो करेगा वो इसी कैपेसिटर पे तो जाएगा, तो इस पे 12 माइक्रो कूलम के बराबर चार्ज होगा. 18 कैसे बोल रहे थे आप भाई? जो बैटरी से अभी भी आपने बताया, ठीक है, कि बैटरी से जो चार्ज फ्लो करेगा वो 12 माइक्रो कूलम फ्लो करेगा, तो बैटरी से जो जाएगा वो इसी प्लेट पे तो आएगा, चल के चार्ज इधर से इधर तो जा नहीं सकता है ना. तो बैटरी से जो भी चार्ज फ्लो करेगा वो इधर ही जाएगा, तो पहले वाले कैपेसिटर पर जो चार्ज आएगा वो 12 माइक्रो कूलम के बराबर आएगा. ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए. फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर. 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 पहले कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 4 वोल्ट. कैपेसिटर की शीट मिल गई? नहीं मिली क्या? फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर. पहले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, पहले कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, तो देखिए इसके अक्रॉस अगर ड्रॉप को निकालना है तो ड्रॉप किसके बराबर होता है? क्यू बाई सी. क्यू कितना है? 12 और सी कितना है? 3. तो ये कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट आ जाएगा. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो 4 वोल्ट के बराबर आ जाएगा. कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसके अक्रॉस 4 वोल्ट के बराबर पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा. अब इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आएगा भाई? देखो कुल ये 6 वोल्ट है, 4 वोल्ट इसको मिला, तो इसको जो मिलेगा वो 2 वोल्ट ही तो मिलेगा, ये दोनों पैरेलल में है ना. तो अगर इसको 4 वोल्ट मिल गया तो इसको 2 वोल्ट मिलेगा, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो 2 वोल्ट के बराबर आ जाएगा. तो अगर यहां ड्रॉप आपसे कोई पूछे तो 2 वोल्ट आ जाएगा. इस वाले पे चार्ज कितना होगा? इस वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा? 6 आएगा. क्यू बराबर सी भी होता है. इसका ड्रॉप 2 वोल्ट है, कैपेसिटेंस 3 है, तो इसका चार्ज कितना जाएगा? 6 और इसका -6. इस पे कितना चार्ज आएगा? इस पे 6 नहीं आएगा. हाँ, इस पे भी 6 ही आएगा. हाँ, इस पे भी 6 ही आएगा. इस पे आएगा 6 और इस पे -6 आ जाएगा. तो इस तरह से चार्जेस का बंटवारा होता है, ड्रॉप होता है सीरीज पैरेलल में. ठीक है, चलो बस करते हैं आज हम लोग. होमवर्क में आप ऐसा करना कि एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना. हाँ, ठीक है. 100 कितने सवाल है? 126 है. और कितने हो गए? 105 तक मैंने डिस्कस करा दिया ना. हाँ, 126. ठीक है, कर लेंगे. हाँ, ठीक है.